हेलो फ्रेंड्स, आज बनाते हैं सफ़ेद करेले का अचार, जो कि डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और एकदम ज़्यादा कड़वा भी नहीं होता है, तो सब आराम से खा सकते हैं। अब इस करेले को हम चार टुकड़े कर लेंगे और उसे बारीक बारीक कट करेंगे इस तरीके से। अब ये बारीक बारीक कट हो गया है। अब इसमें हम नमक और ये जो गुड़ है इसको मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है, खीस लिया है, और ये एक चम्मच के बराबर होगा। और एक चम्मच लाल कश्मीरी मिर्ची डाला है, जो बिल्कुल तीखा नहीं होता। अगर आपको तीखा चाहिए तो आप तीखा लीजिए। और दो नींबू का रस लिया है और एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब इसमें हम जो ये कट किया है करेला, बारीक बारीक कटा है, बारीक बारीक कटे हुए करेले को हम अब इसमें दो चम्मच जो नमक लिया है वो इसमें डाल देंगे। और अब इसमें थोड़ा जीरा पाउडर, अब थोड़ा सा नींबू पाउडर, नींबू का रस, दो नींबू का रस है ये, दो नींबू का रस, और ये एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। और अब इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। अब देखो, गुड़ अभी बारिश का वक्त है, इसे घिस के भी रखा तो थोड़ा सा ऐसे हो ही गया। अब हम इसे क्या करेंगे, ये एक करेला है, ये जो कटा हुआ है ये दूसरा करेला है। एक करेले में देखिए इतना इतना सारा बन जाता है। अब इसे हम मिक्स करेंगे, मिक्स करने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद हम इसे किसी अच्छे से बोतल में भर के रख देंगे। और इसमें विनीगर डालने की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपके पास नींबू का रस या नींबू अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें एक चम्मच विनीगर डाल सकते हैं। और इसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे बना के देखिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो करेले का अचार है तो लोग इतना प्रिफर नहीं करते, कोई भी बच्चे हो कुछ हो तो करेला नहीं पसंद करते हैं, बट करेला खाना तो हमेशा सेहत के लिए अच्छा रहता है। इसे देखिए ऐसे हाथ, ये कश्मीरी लाल मिर्च है तो इसे आराम से इसे हाथ से भी मिला सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है। इसे बॉटल में भर के रख दीजिए। देखो नमक, फिर ये पानी छोड़ेगा। जैसे मैंने देखो ये गुड़ है, ये गुड़ है, गुड़ आराम से पिघलेगा, तो इसको पानी इसे अच्छे से मिक्स करिए। इसमें नींबू ये ऐसे रात भर रख दीजिए और सवेरे आराम से खा सकते हैं। गल जाता है ये पूरा, काफ़ी गल जाता है। अब इसमें नमक डाला है, थोड़ा गुड़ डाला है, गुड़ बहुत कम डाला है, तो हल्का खट्टा मीठा कड़वा बहुत अच्छा लगता है। अब इसे आप किसी भी बॉटल में भर के रख दीजिए और फिर से खा सकते हैं। ये देखिए, ये है इसका एंड रिज़ल्ट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।